हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो मैं हिंदी में बना रही हूं क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप हिंदी में वीडियोस बनाइए, और मैं आशा करती हूं आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आए। आज मैं लेकर आई हूं एक रिव्यू वीडियो, एंड मैं रिव्यू करने वाली हूं एक बहुत ही अफोर्डेबल ब्यूटी ब्लेंडर की, एंड दैट इज़ दिस वन। ये है कॉलर बार का ब्लेंड इट्यूड ब्यूटी स्पॉन्ज। गाइज, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूँगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी हिट कीजिए ताकि आप नोटिफाइड रहें जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ। और इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो एक ब्लैक कलर का पैकेजिंग में आता है और ये ऊपर से सील्ड है, आप देख सकते हो। एंड मैंने एक्चुअली इसको ओपन कर लिया है क्योंकि मैं चेक करना चाहती थी इसका क्वालिटी कैसा है। और बैक साइड में सारा डिटेल्स मेंशन है, आप देख सकते हो। बेसिकली आप फाउंडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हो यूजिंग दिस ब्यूटी ब्लेंडर, ये सब इधर मेंशन है बैक साइड में। और बाकी इसका जो शेड है वो लिखा हुआ है, दिस इज़ हॉट ब्लैक। तो मेरे पास तो स्पॉन्ज है दैट इज़ ब्लैक इन कलर, दिस इज़ हॉट ब्लैक 001। तो इसका एक पिंक कलर का भी आता है स्पॉन्ज। इसका जो प्राइस है दैट इज़ ओनली ₹199, विच इज़ सुपर डुपर अफोर्डेबल गाइस। क्योंकि जो अच्छे ब्रांड्स के ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे आते हैं, बहुत ही हाई प्राइस होता है। और ऊपर से एक बहुत ही अच्छा रिनाउंड ब्रांड का भी है, कलर बार एक बहुत ही अच्छा इंडियन ब्रांड है, और इसके सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं, मुझे इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद है। तो अमेजोन में आपको इसके ऊपर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट हमेशा मिल जाएगा। मैंने भी इसको फ्लैट 15% डिस्काउंट में लिया था, तो मुझे ये सिर्फ ओनली ₹127 में मिल गया था। अभी ये मुझे बहुत ही स्क्वीसी और सॉफ्ट लग रहा है, तो आप खुद ही देख सकते हो। गाइस, इसका जो शेप है आप देख सकते हो, ये इसको टीयर शेप कहते हैं। तो इस साइड में हम अपना जो हार्ड टू रीच एरियाज है, जैसे कि हमारा नोज़ का जो साइड है, हमारा आइज़ का जो ये जो सॉकेट है, तो यहाँ पे हम बहुत ही अच्छे से इसको ब्लेंड कर सकते हैं लाइक दिस, और बहुत ही ईजिली हमारा जो कॉन्सीलर है वो ब्लेंड हो जाएगा। और इसको यूज़ करके हमारा जो नोज़ का जो एरिया है इधर, तो हम इधर फाउंडेशन ब्लेंड कर सकते हैं। तो और इससे हम इवन कॉन्टोरिंग भी कर सकते हैं लाइक दिस, आप देख सकते हो कॉन्टरिंग कर सकते हैं लाइक दिस। हम बेक करने के लिए भी लाइक दिस वी कैन यूज़ अंडर आवर आइज। तो बहुत ही अच्छा मतलब लगा मुझे इसका जो शेप है। और इस ये जो साइड है, दिस इज़ गुड फॉर फाउंडेशन एप्लीकेशन ऑन आवर फेस। ये वाली जो शेप है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ब्यूटी ब्लेंडर्स में, सो आई रियली लाइक द शेप ऑफ दिस ब्यूटी ब्लेंडर। तो गाइज, देख सकते हो आप, इस कंटेनर में मैंने पानी रखा है और इसको हम अभी इसमें डालेंगे और देखेंगे ये एनलार्ज होता है कि नहीं। तो गाइज, अभी आप देख सकते हो इसका साइज़ बहुत ही अच्छे से ये एनलार्ज हुआ है, बहुत ही बड़ा हो गया है, आप देख सकते हो पूरा डबल इन साइज़ हो गया है। तो बहुत ही अच्छे से ये फूल गया है। तो अभी मैं इसमें जो पानी है उसको स्क्वीज आउट कर लूँगी, आप देख सकते हो इतना पानी इसमें से निकला। गाइज, आप देख सकते हो इसका साइज़ कितना बड़ा हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट लग रहा है मुझे, अभी स्क्वीसी लग रहा है। पहले मैं अप्लाई करूँगी ये वाले टोनर, ये बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर टोनर। तो उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी इसका जो क्रीम, बायो मॉर्निंग नेक्टर क्रीम, मेरे फेस को मॉइस्चराइज करने के लिए। और गाइज, ये जो रेंज है बायो मॉर्निंग नेक्टर रेंज बायोटिक का, इसके ऊपर वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल के ऊपर, आप ज़रूर चेक कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड बहुत ही अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इसका। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर, तो दिस इज़ इनसाइट मेकअप एसेंशियल्स प्राइमर 3-in-1। तो इसको मैं अप्लाई करूँगी मेरे टी जोन में। मैं यूज़ करने वाली हूँ आज ये एसेंस स्टे ऑल डे 16 आवर्स लॉन्ग डे लॉन्ग लास्टिंग मेकअप। तो मेरा जो शेड है दैट इज़ 10 सॉफ्ट बेस। तो ये जो फाउंडेशन है आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ, मैं इसका 3 पम्प्स लूँगी। और ये मेरा बहुत ही फेवरेट फाउंडेशन है गाइस, क्योंकि बहुत ही अच्छा कवरेज देता है, मीडियम टू हाई कवरेज। तो इसे इसको डॉट डॉट करके लगा लूँगी। नेक में भी अप्लाई कर लूँगी अच्छे से।
तो गाइज आप देख सकते हो कितनी अच्छे से इसने मेरे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लिया है और इसमें बहुत ही कम प्रोडक्ट आप जो हुआ है आप देख सकते हो। अभी मैं लूंगी ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर इन द शेड 03, तो इसको मैं अप्लाई करूंगी अराउंड माय आईज और जहां पर भी मेरा डार्क स्पॉट्स है उधर मैं अप्लाई करूंगी। गाइज आप देख सकते हो कितने अच्छे से मेरा जो कंसीलर है वो ब्लेंड हो गया है। तो अभी मेरे जो इधर है मैं थोड़ा अप्लाई कर लूँगी कंसीलर और जहाँ पर भी मेरा डार्क स्पॉट्स है। तो गाइज इतना तो डार्क स्पॉट्स अभी विजिबल नहीं है क्योंकि ये जो फाउंडेशन है बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही हाई कवरेज देता है। तो अभी मैं इसको ही डायरेक्ट ब्लेंड कर लूँगी इधर लाइक दिस। गाइज अभी बारी है पाउडर की, तो मैं मेरे फेस को अच्छे से बेक करूँगी और बहुत ही अच्छे से सेट करूँगी क्योंकि मेरा कंसीलर क्रीज कर जाएगा नहीं तो। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इनसाइड मेकअप एसेंशियल्स का ये लूज़ पाउडर इन द शेड हनी स्वीट 05। बहुत ही अच्छा लूज़ पाउडर है गाइज, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, तो आप अगर ट्राई करना चाहते हो उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। कंसीलर है उसको अच्छे से सेट करूँगी लाइक दिस। अच्छे से और जल्दी से इसने सेट कर लिया, तो अभी मेरा जो फुल फेस है उसको सेट करूंगी यूजिंग दिस। गाइस अभी मैं करने जा रही हूँ कॉन्टोरिंग और मैं ले रही हूँ शिवाना कलर्स का अल्ट्रा प्लस पैलेट इन द सेट 01 और उसमें जो कॉन्टोरिंग सेट है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ टू कॉन्टोर माई फेस और बहुत ही अच्छा कॉन्टोरिंग सेट है और आप देख सकते हो मेरा फेस कितना स्लिमर लग रहा है। अभी मैं ले रही हूँ ये SFR का ड्रीमी बेक्ड आई शेडो पैलेट एंड इसमें जो पिंक कलर का आई शेडो दिया है उसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज ए ब्लश। और ये पैलेट जो है गाइस ये बहुत ही वर्सेटाइल है, आप इसको आई शेडो के तरीके से यूज़ कर सकते हो, ब्लश के तरीके से यूज़ कर सकते हो, हाइलाइटर के तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। सो अभी मैं ये जो गोल्डन सॉर्ट ऑफ शेड है इस पैलेट में वो ले रही हूँ एंड उसको अप्लाई कर रही हूँ एज हाइलाइटर। खुद ही देख सकते हो ये जो शेड है कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और मेरा फेस भी बहुत ही अच्छे से ग्लोवी लग रहा है, आप देख सकते हो गाइस। गाइज अभी मैं कर रही हूँ मेरे आईब्रोज को फिल यूजिंग दिस स्विस ब्यूटी आईब्रो पेंसिल इन द शेड डार्क ब्राउन और ये बहुत ही अच्छा पेंसिल है, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अभी मैं ले रही हूँ एक पिंकी सॉर्ट ऑफ ब्लश सेट फ्रॉम दिस पैलेट और उसको ले रही हूँ एज अ ट्रांजिशन सेड एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मेरे ट्रांजिशन एरिया में, उसको मेरे लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा ब्लेंड कर रही हूँ। तो अभी मैं ले रही हूँ ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का लिक्विड आई शेडो इन द सेड बस, बहुत ही अच्छा एक ब्यूटीफुल पिंक काइंड ऑफ शेड है गाइज, आप देख सकते हो इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर्स नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ग्लिटर नहीं है मगर बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, आप देख सकते हो। तो गाइज अभी मैं ले रही हूँ ये ग्रेस ब्लैक काइंड ऑफ शेड फ्रॉम दिस पैलेट और इसको मैं यूज़ कर रही हूँ टू गिव अ स्मोकी लुक, आप देख सकते हो कितना अच्छा शेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक दे रहा है। अभी मैं मेरा जो क्रीज एरिया है उसको और एक बार ब्लेंड कर रही हूँ टू ब्लेंड एवरीथिंग वेल टुगेदर। नाउ आई एम टेकिंग दिस NYB काजल इन द सेट ब्लैक और इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ मेरे लोअर लैश लाइन में और टाइट लाइन कर रही हूँ। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्लैक आईलाइनर फ्रॉम आई थिंक ब्लू हेवन वाक्री आईलाइनर एंड ये बहुत ही अच्छा जेट ब्लैक कलर है गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल भी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। और मैं एक छोटा सा विंग बना रही हूँ, आप देख सकते हो। सो गाइज आई एम बैक विथ माई फॉल्सेस ऑन। तो अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एसेंस का मस्कारा इन माई लोअर लैश लाइन। सो गाइज अभी मैं ले रही हूँ लिपस्टिक, तो ये जो शेड है ये मुझे याद नहीं है गाइज, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये है पर्पल का अल्ट्रा HD मैट लिपस्टिक एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक शेड है गाइज, आप देख सकते हो। अभी मैं मेरा जो इनर कॉर्नर ऑफ आईज है उसको हाईलाइट कर रही हूँ यूजिंग द हाईलाइटिंग सेट गिवन इन दिस पैलेट। सो नाउ आई एम सेटिंग माई मेकअप वेल इन प्लेस और मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर। जो
मेकअप लुक है आप इसको कैरी कर सकते हो किसी भी डे टाइम फंक्शन में, आपके घर में अगर कोई फंक्शन है इस तरीके से आप अपना मेकअप कर सकते हो। बहुत ही ग्लोई एंड डीवी मेकअप लुक है जो कि विंटर्स में बहुत ही अच्छा लगता है। गाइस आप इसको जरूर लीजिए, बहुत ही अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर है। आप देख सकते हो कितना अच्छा ये मेकअप लुक टर्न आउट हुआ है और मेरा जो बेस है कितना अच्छा लग रहा है, कितना फ्लॉलेस एंड ग्लोई लग रहा है। गाइस अगर हमको इतना कम प्राइस में इतना अच्छा ब्यूटी ब्लेंडर मिल रहा है और वो भी एक रिनाउंड ब्रांड की ओर से, तो ज़रूर उसको हमको लेनी चाहिए, हमको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इसका जो बाइंग लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ज़रूर चेक कीजिए। सो गाइज आई होप ये वाली जो मेकअप लुक है आपको पसंद आया और इसका जो रिव्यू है वो भी आपको हेल्पफुल लगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।